एक बड़ी खबर यह है कि नुहू में शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह के जो हत्यारे हैं, उन हत्यारों के बारे में जानकारी धीरे धीरे मिल भी रही थी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह था कि सभी के सभी हत्यारे या फिर जिन्होंने सुरेंद्र सिंह जो कि शहीद डीएसपी है उन पर हमला किया था वो गिरफ्तार होंगे सभी। और इस सवाल का जवाब अब मिल चुका है, एक बड़ी कामयाबी मिली है नुहू पुलिस को भी। अब मामले में 12वां आरोपी भी गिरफ्तार हो गया है। आरोपी का नाम मुश्ताक बताया गया है, मुश्ताक उर्फ मंगल को गिरफ्तार किया गया है। 11 आरोपियों की पहले हो चुकी है गिरफ्तारी और शहीद डीएसपी तावड़ू सुरेंद्र सिंह की हत्या के मामले में 12वें आरोपी मुश्ताक उर्फ मंगल जो कि नवाब नाम के शख्स का बेटा है और पचगांव का रहने वाला है, सीआईए नुहू पुलिस ने गांव रायपुरी थाना सदर नुहू से इसे गिरफ्तार किया है। और शहीद डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या का यह मामला, अब ऐसे में इतना तो आप जान लीजिए कि जहां पर डीएसपी सुरेंद्र सिंह की हत्या हुई थी उन पर हमला हुआ था, वो शहीद हुए थे, उस दौरान जो डंपर चालक था वो गिरफ्तार हुआ, ये जानकारी दी गई थी। उसके बाद जिनकी भूमिका थी इस मामले में उनको भी गिरफ्तार किया गया। कुल मिलाकर कहा गया कि 12 आरोपी हैं, तो ऐसे में 12वां आरोपी भी गिरफ्तार हो चुका है इस पूरे मामले में। अब देखने वाली बात है कि आधिकारिक तौर पर पुलिस की ओर से क्या जानकारी दी जाती है, क्योंकि पुलिस पर भी एक दबाव था। उनका खुद का एक कलीग जो कि एक बड़े ओहदे पर था, एक डीएसपी रैंक का अधिकारी, ऐसे में उन पर ही हमला कर देना, उसके बाद फिर ये पूरा मामला देश में चर्चा का विषय बना, सुर्खियों में आया और उसके बाद खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने भी प्रतिक्रिया इस मामले पर दी थी। ऐसे में हमारे साथ नुहू से कासिम खान फोनलाइन पर हमारे संवाददाता नुहू से जुड़ चुके हैं जो कि पहले दिन से इस पूरे मामले पर नजर बनाए हुए हैं और उन्होंने सबसे पहले इस खबर को हम तक पहुंचाया और हमने आपको बताया। एक एक करके कासिम सभी पकड़े गए ये हम कह सकते हैं। अब पुलिस को बहुत बड़ी कामयाबी मिल चुकी है इस मामले में, अब तह तक पहुंचा जा सकता है इस पूरे मामले की। जी बिल्कुल कमल, हम दर्शकों को बता दें कि ये पूरा घटनाक्रम 19 जुलाई का है। डीएसपी सुरेंद्र सिंह जो तावड़ू में कार्यरत थे उनको एक डंपर द्वारा कुचल दिया गया था जिससे उनकी दर्दनाक मौत हो गई थी। उसके बाद पुलिस ने दो नामजद सहित 3-4 अन्य लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था और इसके अलावा एक मुकदमा मुठभेड़ का दर्ज किया गया था जिसमें 1 जो परिचालक बताया गया था उसके साथ मुठभेड़ हुई थी और उसके पैर में गोली मार दी गई थी। सबसे पहले 1 को गिरफ्तार किया गया था, उसके बाद जो पितर है जिसको डंपर चालक बताया जा रहा था उसको गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद एक के बाद एक गिरफ्तारी लगातार इसमें होती गई और अब तक कुल जो 12 आरोपी हैं वो पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। पुलिस ने यही बताया था, पुलिस कप्तान वरुण सिंगला से जब कई बार पत्रकार वार्ता में बातचीत हुई थी तो उन्होंने कहा था कि तक कुल इसमें 12 जो आरोपी हैं वो अब तक सामने आए हैं और सभी 12 के 12 अब पुलिस की गिरफ्त में आ चुके हैं। अधिकतर को कोर्ट में पेश करके रिमांड पर लेने के बाद जेल भेज दिया गया है। अब जो सबसे लास्ट में आरोपी पकड़ा गया है सिर्फ वही बाहर है, कुछ दिन बाद वो भी जेल चला जाएगा। इस मामले में अब तक एक आरोपी जो बिल्ला नाम का आरोपी है उसकी जमानत भी हो चुकी है। मुश्ताक उर्फ मंगल नाम का जो आरोपी अब गिरफ्तार हुआ है, कासिम हमें ये बताइए कि इसकी भूमिका इस पूरे मामले में क्या थी, जो हमला हुआ डीएसपी सुरेंद्र सिंह पर, जो हत्या उनकी की गई। देखिए कमल, इसकी अगर भूमिका की बात करें तो शुरुआत में जो मुख्य आरोपी थे उन्होंने डीएसपी की हत्या में किसी ने परिचालक की किसी ने चालक की भूमिका निभाई थी। उसके बाद जो लोग पकड़े जा रहे हैं वो शरण देने के आरोप में पकड़े जा रहे हैं या इलीगल माइनिंग में पकड़े जा रहे हैं। अब जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है इस पर यही आरोप है कि इसने जो मुख्य आरोपी थे उनको पनाह दी थी, शरण दी थी, उसके आरोप में इनको गिरफ्तार किया गया है। तो कुल मिलाकर के पुलिस की जो जांच है वो अब तक पूरी हो चुकी है। इस मामले में एसआईटी का गठन भी किया जा चुका है। एडिशनल एसपी उषा के नेतृत्व में एसआईटी गठित की गई है जिसमें 3 सीआईए के इंस्पेक्टर और 1 तावड़ू एसएचओ शामिल हैं। हालांकि अनिल विज जो गृह मंत्री हैं उन्होंने न्यायिक जांच की इस मामले में बात की थी, अभी तक न्यायिक जांच के आदेश सरकार की तरफ से नहीं किए गए हैं। इलाके के लोग भी ये मांग लगातार कर रहे हैं कि अगर इस मामले की सीबीआई से जांच कराई जाए या न्यायिक जांच कराई जाए तो अवैध खनन के कारोबार में जो बड़ी मछलियां शामिल हैं उनके नाम भी उजागर हो सकते हैं। अभी तक जो पुलिस की कार्रवाई है उसमें अक्सर छोटी मछलियों पर गाज गिरी है, बड़ी मछलियों के गिरेबान पर अभी भी पुलिस के हाथ नहीं पहुंच पाए। मामले में कासिम सबसे बड़ा सवाल यह भी उठता है कि पुलिस को एक कामयाबी कैसे हाथ लगी। एक एक करके पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, हालांकि पूरा दबाव था पुलिस पर क्योंकि एक डीएसपी रैंक के अधिकारी को भी
अब नहीं बख्शा जाता इलीगल माइनिंग करने वालों की तरफ से। इस मामले में कह सकते हैं कि एक एक करके जो आरोपी पकड़े गए उनसे ही तार जुड़ते गए बाकी आरोपियों के, और उसके बाद ही पुलिस बहुत जल्द इन आरोपियों तक पहुंच पाई, जो कि 12 की संख्या में बताए गए कुल मिलाकर इस पूरे मामले में जो संलिप्त है। कमल देखिए, जहां तक 12 आरोपियों का सवाल है तो ज्यादातर आरोपी पचगांव गांव के रहने वाले हैं, जहां पर ये डीएसपी वाला घटनाक्रम हुआ था। अधिकतर जो आरोपी हैं वो पचगांव गांव के हैं, और जो अन्य लोग गिरफ्तार किए गए हैं वो उनके रिश्तेदार या उनके बिल्कुल करीबी लोग हैं। इसलिए जब एक दो गिरफ्तारियां इस मामले में की गई तो उसके बाद लगातार कड़ी खुलती गई और एक के बाद एक नाम सामने आते गए। इस मामले में 10 टीमें गठित की गई थी पुलिस कप्तान नूह द्वारा, 10 टीमें लगातार आरोपियों की तलाश में जगह जगह दबिश दे रही थी। उसी का नतीजा है कि इतनी जल्द सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने जानकारी दी है इस पूरे मामले को लेकर विस्तार से, और आपने समझाया और बताया कि कैसे और किस तरह से पुलिस को कामयाबी मिली है इस पूरे मामले में। इतना हम आपको कहना चाहते हैं कि इस पूरे मामले में पुलिस ने बहुत गहनता से जांच की थी, और जिस जिसकी जो भी भूमिका थी इस मामले में सभी को अब गिरफ्तार कर लिया गया है। क्योंकि हमने ये देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस जब भी हुई थी उन प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने ये कहा था कि कुल मिलाकर 12 आरोपी इस मामले में हैं, जिन्होंने शरण भी दी हो या फिर जो इलीगल माइनिंग में संलिप्त हैं। अब ऐसे में पुलिस की ओर से अपना काम कर दिया गया है, और जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे उसमें आप एक बात जरूर समझिएगा, जो तस्वीर आप देख भी पा रहे हैं कि इस शख्स की भूमिका क्या थी। और ये जो शख्स है जो आप तस्वीर में देख पा रहे हैं जो पुलिस से घिरा हुआ है, दरअसल जितने भी पुलिसकर्मी आपको दिखाई दे रहे हैं ये इनकी मेहनत का फल है। और ये जो आरोपी बैठा हुआ दिखाई दे रहा है, ये जो आरोपी है ये भी वही आरोपी है जिसने पूरी पूरी भूमिका निभाई थी इस पूरे मामले में कि शरण दी जाए जो आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके हैं, या फिर जो बाकी के डंपर चालक थे या फिर दूसरे आरोपी थे जो ऐसा काम किया करते थे उन तक भी पहुंच बनाने का पूरा पूरा प्रयास किया है। तो ऐसे गिरफ्तारी हुई है, और इस तरह गिरफ्तारी होते होते एक के बाद एक खुलासे हुए हैं। अभी जो मुश्ताक नाम का आरोपी गिरफ्तार हुआ है, इस आरोपी से भी पूछताछ होगी, अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा, उसके बाद इससे पूछा जाएगा कि जो आरोप लगे हैं वो आरोप कितने सही हैं और कितना इसने भूमिका निभाने का प्रयास किया है इस पूरे हमले के मामले में।